गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माईसेल्फ डॉक्टर पूर्वा दुबे, सेमेस्टर थर्ड जी पेपर प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। मैंने पॉइंट बताया था जिसमें 3 पॉइंट लेफ्ट था, छूट गया था वो पॉइंट करके। आज इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे जिसमें मैंने 2 वीडियो बना के आप लोगों को दे रही हूँ। एक में मैंने 5-6 पॉइंट का डिस्क्राइब कर दिया था, आज एक पॉइंट बता रही हूँ जिसमें है कि तकनीकी परिवर्तन आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से बहुत अधिक प्रभावित करता है। तकनीकी विकास का मतलब, परिवर्तन का मतलब है हर चीज़ की नया चीज़ बनाना, नए चीज़ बाज़ार में बनाना, नए चीज़ को करना ताकि हमारा नए चीज़ का कर सके, हम अपनी कृषि व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं, ज़्यादा उपज बढ़ा सकते हैं। प्लस आपका अगर हमारा तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र हो चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में भी हमारा विकास होगा वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इससे कहा जाता है कि हम अज्ञात साधनों की खोज करके भी हम अपनी खनन कार्यों को खोज करके भी हम अपनी तकनीकी परिवर्तन में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी श्रम, पूंजी और अन्य उत्पादन के साधनों को भी बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया तकनीकी परिवर्तन, जिससे हम करके अपने को ज़्यादा कार्य कुशल बना सकते हैं, ज़्यादा अच्छी वस्तुएं बना सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद 7th पॉइंट आता है श्रम विभाजन और उत्पादन स्तर। श्रम विभाजन और उत्पादन स्तर का मतलब होता है कि श्रम का विभाजन उत्पादकता की वृद्धि लागत पर निर्भर करती है, यानी श्रम विभाजन बाजार के आकार पर निर्भर करता है तथा बाजार का आकार आर्थिक प्रगति पर, अर्थात मांग के आकार, उत्पादन के सामान्य स्तर, यातायात के साधन आदि की विकास की सीमाएं होती है। यानी हमारा अगर बाजार में मांग ज़्यादा है तो उसके हिसाब से हम उस चीज़ का उत्पादन करेंगे, उस चीज़ को हम बढ़ावा देंगे तो हमारा वो चीज़ होगा। जैसे आज के समय में कोरोना के चलते हर जगह बंद है, लेकिन मास्क का, सैनिटाइजर का, ये सब की कंपनी लगातार उत्पादन कर रही है, लगातार बढ़ावा दे रही है। तो ये हमारा क्या होता है कि श्रम का विभाजन और उत्पादन स्तर, अगर श्रम का विभाजन बहुत अच्छे से होगा तो उत्पादन स्तर और ज़्यादा बढ़ेगा, और उस तरह से बढ़ने के फलस्वरूप हमारा क्या होगा कि हमारी आर्थिक विकास की दर भी प्रभावित होगी। 8 पॉइंट आता है सांस्कृतिक अभिरुचियाँ। सांस्कृतिक अभिरुचियाँ मतलब क्या होता है कि हमारा पॉजिटिव थिंकिंग, हमारा ट्रेडिशनल थिंकिंग, हमारा सकारात्मक विचार, और इसमें सामाजिक दृष्टिकोण, धार्मिक उत्सव पर अपवित्रता, धार्मिक अंधविश्वास आदि आता है, आर्थिक विकास में बहुत अधिक बाधक माने जाते हैं। यानी राजनीतिक समस्या ही पिछड़ी व्यवस्था है, यानी कोई भी अगर समस्या रहती है तो उसमें जो राजनीतिक समस्या घुस जाती है, जिसके चलते कि धीरे धीरे शिक्षा, प्रदर्शन, प्रोत्साहन के आधार पर लाया जा सकता है। लेकिन परिवर्तन इसमें किस तरह का परिवर्तन किया जा सकता है, शिक्षा में विकास करके, प्रदर्शन और प्रोत्साहन को आकार देकर, यानी लौकिक शिक्षा न केवल कुछ ही अपितु बहुतों की योग्यता का बंधन मुक्त कर सकती है, तकनीकी ज्ञान के लिए मार्ग खोल देती है। यानी कहा जाए तो हम अपने शिक्षा को बढ़ावा दे करके हम अंधविश्वासों से दूर हटाए जा सकते हैं, अंधविश्वास से हम हटा के कर सकते हैं। अब आता है सामाजिक मूल्यों और संस्थाएं। सामाजिक मूल्यों का मतलब है ऑल विकसित देश में प्रचलित सामाजिक मूल्य और सामाजिक समस्याएं, संयुक्त परिवार, जाति प्रथा, छुआछूत, पर्दा प्रथा और नातेदारी संबंध, ये सब होते हैं। आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है कि शिक्षा और ज्ञान का बहुत ज़्यादा प्रसार हो। तो ये जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जो छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव जो हमारा पूरा समाज में रहता है, इससे ज़्यादा आर्थिक विकास की हमारा प्रभावित होता है। ये नीचे जाति का ये काम नहीं कर सकता, ये ऐसा नहीं कर सकता, तो ये सब कुछ हमारे क्या होता है कि प्रभाव डालता है। यानी प्रशंसकों, इंजीनियरों, प्रबंधकों, वैज्ञानिकों तथा दूसरे तकनीकी विशेषज्ञों की न्यूनतम को पूरे करने के लिए संस्थाएं स्थापित की जा रही है, जिसमें सभी को समान रोजगार, समान वेतन इस तरह से दिया जाए। उसके बाद 10 लास्ट पॉइंट आता है राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तन।
यानी किसी भी देश की आर्थिक विकास को प्रभावित करने में राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहित और हतोत्साहित करने में सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। कोई भी देश सुयोग सरकार से सकारात्मक प्रोत्साहन के बिना प्रगति पे नहीं चल जाता। जब तक कि उसको सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलेगी, पॉजिटिव नहीं होगा, तब तक वो विकास के कार्य पे नहीं होगा। यानी देश में सुरक्षा और शांति होने पर विदेशी पूंजी भी आकर्षित होती है। इसलिए ये सारे 10 पॉइंट को मैंने वीडियो 1 और वीडियो 2 बना के डाला है। 10 पॉइंट हमारा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, तो आप इसमें से जितना इजी हो सके, जो पॉइंट आपको याद करने में इजी हो सके, आप उसको कर लीजिए और उसको डिस्क्राइब कीजिएगा। लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि आर्थिक विकास को और आर्थिक विकास को प्रगति करने वाला जो ये सब तत्व है, अगर हम अच्छी तरह से आर्थिक विकास को मानवीय गुणों, सामाजिक अभिरुचियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ और ऐतिहासिक संयोग से निकटवर्ती संबंध होता है। प्रगति के लिए पूंजी आवश्यक है, परंतु एकमात्र निर्धारक नहीं है। सब अगर परिस्थितियाँ सक्षम रहे, सब साथ रहे, तभी हम कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आर्थिक विकास की प्रभावित। अब एक आता है संतुलित और असंतुलित विकास। संतुलित मतलब बैलेंस्ड विकास। संतुलित विकास कब होगा? जब हमारी जनसंख्या कंट्रोल में रहेगी, प्राकृतिक साधन का पूरे उपयोग होगा, तकनीकी परिवर्तन होगा और पूंजी की अच्छी तरह से संरचना होगी, तो हमारा संतुलित विकास होगा। और इस संतुलित विकास जो हमारा है, वो संतुलित विकास जो हमारा इस तरह से किया जाएगा। तो ये उसके बाद असंतुलित विकास की पद्धति है। असंतुलित विकास वही हो गया कि अगर हम नहीं देखेंगे तो हमारा विकास इससे प्रभावित होगा। तो सबसे ज़्यादा है कि हमको संतुलित विकास करके पूरे को प्रभावित करना है और पूरी तरह से व्यवस्था करना है। इसमें एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आप नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चंस को, कि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना करें। व्हाट आर द फैक्टर्स रिलेटिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले क्या क्या तत्व होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आएगा, आर्थिक विकास किसे कहते हैं, इसके इसको परिभाषित कीजिए और इसके विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये दो क्वेश्चन जो है सो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चंस आप देख लीजिए, कर लीजिए। जहाँ भी दिक्कत हो हमसे फ़ोन करके, व्हाट्सएप के थ्रू, तो हम सबसे जुड़े ही हुए हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे पूछ के कर लीजिए। ये हमारा चैप्टर्स आज ख़त्म हो गया, कल से हम दूसरे चैप्टर्स में आपको पढ़ाएंगे।